कन्वर्ट 1 जूल SI इंटू CGS सिस्टम। बच्चों 1 जूल को यहां पर कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, तो 1 जूल किसकी यूनिट है या जूल किसकी यूनिट है, वर्क की बोल लो चाहे एनर्जी की बोल लो। CGS सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लोगे, और फोर्स को भी ब्रेक करेंगे मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये वाली यूनिट लेकर के चलते हैं। तो 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल को मैं लिख सकता हूं, मास का मतलब क्या है किलोग्राम, ठीक, और एक्सलरेशन का मतलब क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब फिर से मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, और जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में, सेकेंड तो उसी में रहेगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम बेटा, 1000 ग्राम, मतलब कि 10^3 ग्राम हो जाएगा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10^2 हो जाएगा सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर लगा देंगे सेकेंड के पावर में -2। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10^3, और 2 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 = 7, 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बेटा ये जो चीज है आपके पास, ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ERG। ठीक, तो ये आ जाएगा 10^7 अर्ग। ठीक है, मतलब जो 1 जूल CGS में आएगा बेटा उसी को हम क्या बोलेंगे, 10^7 अर्ग बोल लो, चाहे 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल लो। ठीक है।